So hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, I'm just going to share my makeup routine, that how I did my makeup. So it's going to be very easy, जो आप सबको बहुत ज़्यादा help भी करेगा. मैंने काफ़ी time से कोई video नहीं shoot की हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेरा makeup routine आपके साथ share करूँ, जो मैं हमेशा बहुत normal use करती हूँ. तो without any further delay, let's move into the video or let's go. Now I'm using this moisturizer because I love the most. मैं हर विंटर में यही प्रेफर करती हूँ मेरे स्किन के लिए. तो मैं यहाँ पे इसे फेस पे अब अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी, एंड इसे अप्लाई करने के बाद अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर मूव करूँगी. सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ फिट मी का 230 शेड है, तो अब मैं इसे जा रही हूँ अप्लाई करने. तो मेरा फाउंडेशन अच्छे से अभी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, एंड मैंने अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड भी कर लिया है. तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ कंसीलर, विच इज इन द शेड 25 मीडियम. तो अब मैं इसे अप्लाई करने जा रही हूँ. Applying the concealer is a very important thing to do because I have a lot of dark circles which I need to hide. So अभी मैं use कर रही concealer क्योंकि बहुत ज़रूरी है. So finally मैंने concealer भी अच्छे तरीके से apply कर लिया हुआ है, और अब मैं जा रही हूँ मेरे अपने eyebrows को fill up करने के लिए. मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है shade. तो मेरे पास अभी दो पैलेट है, तो मैंने पैलेट से ही यहाँ पे एक मेरी आईब्रो को फिलअप मैं करने वाली हूँ. अब मैं इसे अप्लाई करने जा रही हूँ. सो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे आईब्रोज़ को अच्छी तरीके से फिल करने, जो कि मुझे बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं आती है, बट मैंने यहाँ पे ट्राई हमेशा अच्छा किया है. तो मेरी आईब्रो तो अच्छी तरीके से फिल हो गई है, एंड अब मैं आई शेडो अप्लाई करने जा रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने जो कलर सेलेक्ट किया है वो मेरे स्किन टोन के हिसाब से मैं लिया है, जो कि अगेन वो न्यूट सा कलर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आप बताना कि इसका शेड कैसा है, एंड प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो. तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से अब आई शेडो अप्लाई करूँगी. इसी तरीके से नेक्स्ट आई पे अप्लाई करने वाली हूँ, और ये हो रहा है. और ये मुझे इतनी मेहनत के बाद फाइनली मेरा आई शेडो अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मुझे अभी परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहे हैं, एंड बट ये अप्लाई मैंने कर लिया है. सो आप बताना कि इसका शेड कैसा है. तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे यूज़ करने कॉम्पैक्ट पाउडर टू फिक्स माई फाउंडेशन. तो ये भी मेरा अच्छी तरीके से अब यहाँ पर अप्लाई हो चुका है. तो अब इसे मैं अंडर आई पर अप्लाई करूँगी ताकि कुछ केकी सा ना लगे. तो ये अप्लाई हो चुका है. नेक्स्ट मैंने यूज़ किया हुआ है NYB का काजल, जो कि एक्स्ट्रा डार्क कलर है, जो कि अदर कंपैरिजन में मुझे सबसे अच्छी शेड NYB की काजल की लगती है. तो इसे अब मैंने आईज़ पे अप्लाई कर लिया है, और इसे दूसरी आईज़ पे मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी इसे अप्लाई करके. सो यहाँ पे मेरी काजल तो अप्लाई हो चुकी है, और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ आई लाइनर, जो कि आज मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में बना रही थी. बट मैं बता दूँ, जल्दी से ये अप्लाई नहीं हो रहे थे, सारे के सारे विंग्स में टेढ़े मेढ़े बन रहे थे. तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम कर रही थी. जनरली मेरी सारी आई लाइनर हमेशा अच्छी लगती है, बट अभी मैं मेकअप कर रही हूँ ना, गड़बड़ तो होना लिखा ही था और हो गया एनीवे, बट ठीक है, काम चल सकता है. नेक्स्ट मैंने यूज़ किया हुआ है ब्लश, विच इज़ फ्रॉम Maybelline, जहाँ मैंने 3 शेड्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ब्रश में ले लिया है, और इसे कुछ फेस पे ब्लेंड करूँगी. एंड ब्लेंड करने के बाद जो फेस पे एक शटल सा लुक आने वाला है ना, विच आई लव द मोस्ट,
तो ये अभी अप्लाई हो चुका है एंड आई नो ये बहुत क्यूट एंड प्रिटी लग रहा है। तो अभी मैंने अपना ब्लश अप्लाई कर लिया है और अब मूव करते हैं हाइलाइटर की तरफ, जो कि मैं अब इसमें का हाइलाइटर नहीं यूज करने वाली, जो कि ऑलरेडी गिवन है बट वो नहीं यूज करूंगी। हाँ, बट आई शेडो पैलेट से मैं जरूर यहाँ से एज अ हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ, जब मैं दोनों शेड ले रही हूँ। दिस वन थोड़ा पिंकिश है, मैं देखती हूँ इसे। ओके, तो ये अप्लाई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अब मैं यूज़ करने वाली लिपस्टिक, बट उससे पहले मैं अपने लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर लिप बाम अप्लाई करूँगी, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अब अपने लिए लिप शेड सेलेक्ट कर लिया, जहाँ मैंने न्यूड सा कलर लिया है और ये लुक बहुत अच्छा देता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप चाहो तो इसे आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल टेल द शेड और आप इजी से परचेज कर लेना। तो अब यहाँ मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं आपको पूरी फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। सो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है एंड आई होप ये आपको जरूर पसंद भी आई होगी। सो बहुत ज्यादा मैंने कुछ हैवी नहीं किया है, आई होप ये आपको वीडियो जरूर हेल्प करेगी। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज माय मेकअप, कैसा रहा एंड कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बना सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।